और फिर हम लोग अपना डिनर वगैरह करके वॉक के लिए निकल गई। हमारे घर के पास ही ऐसे रोड वगैरह है, तो हम लोग वहाँ पे वॉक कर लेते हैं। फिर जाते जाते घर वापस तो आम दिखे, अम्मी ने आम ले लिए। फिर मैं नहीं कर रही, साफ देख लूंगी, देख क्या है, जा ले जा ले। और क्या है, जा ले। बस स्वागत है। नहीं ये नहीं सोचती कि चल अपने घर में आऊंगा, कर लूंगा काम, कुछ भी नहीं कराती, कुछ भी नहीं कराती है। सुबह से बैठे बहुत कर रही है, सुबह से मैंने चाय पी अपने बना के। देखो कितना बड़ा काम किया है, काम देखो कितना बड़ा किया इसने, सुबह से उठ के चाय बना के पी है। बस फ्रेंड्स ईद आ रही है और ईद की बिल्कुल भी सफाई नहीं कर रही है तुम्हें, तो सफाई नहीं होगी कहीं में, मैं कर दूंगी सफाई नहीं करेगी तो क्या करेगी, झाड़ू मैं हाथ से करता हूं। देख रही है इसकी लड़ाई हो रही थी फ्रेंड्स, मैंने कहा कि खुशी खुशी वाले तो व्लॉग्स आते रहते हैं, आज लड़ाई वाले भी डाल दो, मम्मी जो गुस्सा कर रही है। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं, घर की सफाई करती हूँ, फिर घर की सफाई करते करते आप लोगों से बातें करती जाऊंगी। और दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना बिफोर घर, यानी कि सफाई से पहले का जो घर था, घर में जो गंदगी थी वो दिखाती हूँ आपको, और अपना किचन दिखाती हूँ कि किचन में कैसे फैला हुआ है वो। और पापा यहाँ पर बस चिमनी साफ कर रहे हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे आपसे पूरी सफाई करने के बाद, और इंशाल्लाह सफाई के बीच बीच में भी साफ कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पापा जो है चिमनी साफ कर रहे हैं, और हम लोग जो है मैं थोड़ा डस्टिंग वगैरह करके, मतलब दीवारें वगैरह झाड़ के, अगर चिमनी ना लगी हो ना घर में तो हमारा चिकट जाए, होटल लग जाए। पहले मैं थोड़ा घर का वो कपड़े फड़े थोड़े डाल के आई हूँ, चद्दर वगैरह मशीन में वो धुलते रहेंगे, बैठ के नीचे से झाड़ू वाड़ू निकाल लूँ, पूरा कूड़ा समेट लूँ, फिर जाके पूरा घर साफ करना है मैंने। चलो मिलते हैं। खाना पीना खा के फिर से लग गए सफाई करने के लिए, बस थोड़ा सा रह गया डस्टिंग वगैरह रह गई, बाकी सब हो गया, और ये कॉर्नर वगैरह सब साफ हो गए, दिखा लो वो कॉर्नर बिल्कुल साफ हो गए, और बस एसी चला ली है, और एसी ने चला के बस काम कर रहे, इतनी गर्मी हो रही पसीना पसीना हो जाएंगे। नहीं तो मुस्कान किचन साफ कर रही है, फ्रिज साफ कर रही है, फ्रिज तो अभी मैंने साफ करा था अभी, फ्रिज साफ कर लूं। फ्रेंड्स ये देख रहे हो, ये जो है हमारे घर में जो है इस फ्रिज के अंदर, ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना सामान पड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है। और ये मुस्कान जो है फ्रिज साफ कर रही है, सब निकल के मुस्कान साफ हो सकता है वो, पर मैं निकाल, लेकिन डर लगता है टूट टूटा ना जाए, तो बस अभी सफाई चल रही है, और मैं ये कॉलिन लेके बस घर में घुसी हुई हूँ, अम्मी दरवाजे साफ कर रही है, और पापा आराम से बैठे हुए हैं, पापा ने भी किया है, पंखे नहीं साफ करेगा पापा, फ्रेंड्स हो गई है सफाई घर की, और दो तीन कमेंट्स थे ऐसे कि होम टूर करा दो घर का, तो आज मैं होम टूर करा देती हूँ अपने घर का, काफी टाइम से नहीं कराया, सोचती थी लेकिन नहीं कराया। देखिए हमारा जो है किचन है, पूरा पूरा इंटीरियर जो है हम लोगों ने खुद कराया है यहाँ पे, तो ये सब टाइल्स वगैरह, ये ड्रॉर वगैरह, ये सब हम लोगों ने खुद कराया है यहाँ पे, जब आए यहाँ पे ऐसे भरा हुआ, पता नहीं क्या सफाई की है मुस्कान ने अंदर से, और यहाँ पर ये सब ऐसे वाले ड्रॉअर, तो ये सब लगवाया था हम लोगों ने खुद, अपना इंटीरियर डिजाइन किया था घर का, और ये जो नक्शा घर का है ना पूरा अम्मी का दिया हुआ है पूरा। चलो ये किचन है हमारा पूरा, और एक ये जो है फ्रंट वाला रूम है, जैसे गेट से हम लोग एंटर हुए, यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं गेट से, और फिर ये हमारा जो है पहला रूम आ जाता है, तो यहाँ पर ये बेड वगैरह सब है, और ये सब ऐसे माइक्रो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ टीवी वगैरह, ये बूफर, फ्रिज सब ये वाले रूम में रखा हुआ है, बाहर वाले रूम में। यहाँ पर कुछ ऐसे सामान नहीं बनवाया लकड़ी का, बस ऐसे ही है,
ठीक है, यहाँ पर सब रेडीमेड वाला सामान है, रेडीमेड। और ये मम्मी पापा की फोटोज वगैरह लगी हुई है यहाँ पे। ये पिछले साल जब मम्मी पापा की एनिवर्सरी करी थी तो हल्दी मेहंदी का, और वो बकरीद की है, लॉकडाउन के टाइम की। और ये शिपा लूफी की। और ये एंटर हो गए तो ये रूम के साथ जो है दूसरा रूम अटैच है हमारा, तो ये गेट है उसका, यहाँ से दूसरे रूम है। हम अपने बेडरूम में आते हैं जो हम छह लोगों का बेडरूम है, तो ये पूरा बेडरूम है हमारा। यहाँ पे बेड है और ये सब अलमारी वगैरह जो है हम लोगों ने बनवाई थी, अभी भूसे में कपड़े ऐसे रखे हुए। और ये जो है हम लोगों ने अलमारी भी खुद ही बनवाई थी। हम लोगों को कितने से 5 साल हो गए इस घर में, 5 साल हो गए, और ये अलमारी बनवाई थी हम लोगों ने। और ये हम लोगों ने कैसे बनवाई थी, स्लाइड वाली बनवाई थी, यहाँ पे सबके घरों में ऐसे खोलने वाली थी, तो हम लोगों ने नया डिजाइन करा था। और ये सब ऐसे ड्रॉर बनवाए थे, यहाँ मेरे कपड़े रखे रहते हैं, मुस्कान के, पापा के, अब्दुल्ला के। और ये ऐसे ड्रॉर है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे होते हैं तो वो रख रहे थे। मैंने फोल्डर बना के, मैं बहुत ज्यादा सफाई वाली लड़की हूँ। यहाँ पर जो है ये सब है, यहाँ पर आप रोज के कपड़े रखे रहते हैं, यहाँ अम्मी के। और ये जो है थोड़ा जैसे शॉपिंग वगैरह करके आए तो यहाँ हम ठूस देते हैं, यहाँ रख दो सब, यहाँ रख दो। वैसे बनाया था ये जैसे हैंगर टांगने के लिए होता है ना, वैसे बनाया था। तो यहाँ पर ये गेट है, बालकनी है बाहर, पीछे भी बालकनी है हमारे यहाँ पर। और यहाँ से बिल्कुल ऐसे खुला हुआ दिखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ से हम लोग खड़े हो जाते हैं, हवा तूफान आंधी जो भी आता है सब हम लोग इंजॉय कर लेते हैं यहाँ से। और ये कपड़े धुल रहे हैं यहाँ पर, ये सब मशीन वगैरह सब यहाँ रखी रहती है हमारी। धुल तो गए मम्मी कपड़े, यार मम्मी कह रही है कपड़े धुल रहे हैं। बैक वाली जो बालकनी है वहाँ पे कपड़े रखे रहते हैं। यहाँ पर ये ड्रॉर वगैरह जहाँ पे हम लोगों के जो है बिरयानी के बर्तन वगैरह होते हैं वो रखे रहते हैं। और फिर हम एंटर हो गए अपने रूम में, यहाँ पर लगा दो पर्दा, बहुत गर्मी है। फिर यहाँ पर एसी वगैरह जो है सब लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने हर चीज दे रखी है, हर चीज से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जो है ये सिंगारदान, ये भी हम लोगों ने बनवाया था। पहले हम लोग सोचे थे कि सिर्फ शीशा लगा लेंगे, जैसे अलमारी वगैरह में जैसे शीशा लगा रहे थे वो, लेकिन हमने कहा यहाँ पर स्पेस है थोड़ा सा, तो हम लोगों ने सिंगारदान बनवाना, उसके ड्रॉर वगैरह ये सब हम लोगों ने ऐसा बनवाया था। लो गिरा दिया, ये शीशा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। हम लोग तैयार होते हैं खड़े होके तो बस यही सब है। और ये बेड वगैरह यहाँ पर सब लोग यहाँ सो जाते हैं, और ये दो फोल्डिंग है ना, ये दो फोल्डिंग यहाँ पे बिछ जाती है, तो हम 6 लोग आराम से इसी में सो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यही है, 2 रूम का सेट है हमारा, और यहाँ पर बस यही सब है। तो बस, और घर में ये सब लगा रखे हैं, कुल लगा रखे हैं, और वो जो है ना बॉक्स जो है वो सबसे ऊपर, वहां पर जो है कुरान मजीद रखी हुई है, वहां पर कुरान मजीद रखी हुई है, वो अलग से बना रखा है ताकि कोई ना पाकी ना छू सके कुछ भी ऐसे, तो पाक जगह पे रखा हुआ है वो। और मैंने आप लोगों को होम टूर भी करा दिया अपना, अम्मी वगैरह सब लोगों ने आज बहुत मेहनत करी है, मुस्कान ने, बजो ने, तो हो गया सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये होम टूर था, बस ये ब्लॉग था जो भी टूटा फूटा हमारा, बकरीद से पहले का, बकरीद के बाद का फिर आपको इंशाल्लाह दिखेगा बकरीद के दिन का। अब इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहाँ पर, मगरिब का टाइम हो रहा है मेरा नमाज पढ़ने का, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आपने ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। अल्लाह हाफिज़।